इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः नरेन्द्रदत्त सेमवालः आदौ मुख्यवार्ताः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना उक्तम् यत् विपक्षि दलानाम् उद्देश्यम् वर्तमान सर्वकारम् अपदस्थम् करणीयम् इति अस्ति तत्रैव भाजपेति दलस्य उद्देश्यं देशस्य कृते उज्ज्वल भविष्यस्य निर्माणमस्ति युवा प्रकरण क्रीडा मन्त्रिणा अनुरागसिंह ठाकुरेण देशस्य युवानः माय युवा भारतम् इत्यस्मिन् भागं भजितुं सम्प्रार्थिताः चीने द्वे दशमलव षट् मितेन तीव्र भूकम्पमानेन न्यूनातिन्यूनम् अष्ट दशोत्तरैकशतम् जनाः मृत्युम् उपगताः अपि च पुषाणा क्रिकेट स्पर्धाया अ द्वीए एकमक क्रीडा इत्यस्मिन सेंट जॉर्ज पार्क इत्यस्मिन स्थले भारतीय पुरुष दलम दक्षिण अफ्रीका दल सम्मुखी करोति अथ विस्तरेणा प्रधानमंत्रि नरेन्द्र मोदी उक्त ये विपक्षी दलाना उद्देश्यम वर्तमान सर्वकार अपदस्थम करनीय तत्र भाजपे दल से उद्देश्यम कृते उज्ज्वल भविष्य निर्माण अस्त मोदी अद्य नवद भाजपा संसदीय दल से उपवेशनम संबोधयता इदंम प्रतिपा लोकसभा सुरक्षा भंगम प्रकरण उद्द्योशिना प्रधान प्रधानमंत्रि प्रोक् ये लोकतंत्रे विश्वास प्रकटयतृभ जन सुरक्षा भंग से निंदा अवश्यमें श्री श्रीमोदिना संसदः कार्याचरणं बाधित् विपक्षिदलानाम् आलोचना कुर्वता प्रोक्तं यत् सद्यैव जातेषु विधानसभा निर्वाचनेष् प्राप्तेन पराजयेन विपक्षिदलानि विहितानि सन्ति अस्मिन्नेव मध्ये विपक्षिदलै अद्य सांसदानां निलम्बनं लोकसभा सुरक्षाभङ्गम् इति प्रकरणं च उद्देश्य संसद भवन परिसरे विरोध प्रदर्शनं कृतम् कांग्रेस डीएमके, टीएमसी, वामदल आरजेडी, जदयू समाजवादी पार्टी एनसीपी, जेएमएम, अन्य जे सदस्य एम अलाना प्रदर्शने भागम भजित संवाददात सह कृते संवाद कांग्रेस दलाध्यक्ष खड़गे एतानी प्रकरणानि उद्देश्य सर्वकार विरध्य रोषं प्रकटित स प्रोक्तवा ये सांसदाबनम लोकतंत्रय नोचित वर्त समाजवादी पार्टीति दलस्य नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादवः सांसदानाम् निलम्बनम् अभिलक्ष्य सर्वकारोपरि प्रश्नचिह्नम् समुत्थापितवान् इतः पूर्वम् इण्डी ग्रथबन्धनं दलानां नेतारः स्वकीय रणनीतिं प्रकल्पितुं संसद भवन परिसरे एकम् उपवेशनं कृतवन्तः युवा प्रकरण क्रीडा मन्त्रिणा अनुरागसिंह ठाकुरेण देशस्य युवानः मई युवा भारत भजितुम भजिता अनिन भारतम विंशति ही सप्तचत्वारिंशत्तमं वर्षम यावत् विकसित राष्ट्र निर्माणस्य से लक्ष्यम शक्नोति शक्नो एक दृश्य संवाद सन्देश श्री ठाकुरेण उक्त यत् लक्ष्य प्राप्तये युवि महत्वपूर्ण भूमिकाया निहनम संप्राप्य कर्तव्यूपेण करणीयमस्ति तेनोक्त यत भारतन विगतेषु कचि वर्षेषु ऐतिहासिक संप्राप्य विश्वे नवीन परिचयः प्रदत्तः पिचय प्रदत् अस्त इदमी प्रतिपादितं यत् यधानमंत्रि नरेन्द्र मोदीन स्वप्नान् साकारं कर्तुम् जनसहभागिता परमावश्यकी वर्तते वर्तना सहब प्रत्येक भारतीयः अनया सम्प्रक्ताः भवेयुः संसदः द्वयोः सदनयोः कार्याचरणं अद्य लोकसभा सुरक्षाभङ्गं इति प्रकरणं विपक्षी सांसदानां निलम्बनं चाधिकृत्य निरन्तरं बाधितं संजातम। लोकसभायाः राज्यसभायाः च कार्याचरणं अपरान्नम द्विवदनं याव स्थगितं संजातम। लोकसभायाः कार्याचरणं द्वितीय स्थगनान्न्तरं सार्ध यदा पुनरारब्धम् तदा कांग्रेस टीएमसी डीएमके दलानि समेत्य दलानां सदस्याः स्वकीयं विरोधं समारब्धवन्तः स्वकीय अमर्यादित अमर्यादितव्यवहाराय न्यूनातिन्यूनं नवचत्वारिंशत् विपक्षिसदस्याः शीतकालीन सत्रात् निलम्बिताः सञ्जाताः संसदीय कार्य कार्यराज्यमन्त्री अर्जुनराम मेघवालः सदननियमान् दुर्बलं कर्त् प्ले कार्ड इत्यस्य प्रदर्शनं कर्तुं च सांसदनायम प्रस्ताव समुत्थित एकण स्वीकृत निलंबित सांसदेशु काेस दल से शशि थूर मनीष तिवरी एन सी पी दल से सुप्रिया सुले एनसी सी दल फारूख अब्दुल्ला समाजवादी पार्टी दल से डिंपल यादव टीएमसी एम दल से सुदीप बंदोपाध्याय जदयू दल से राजीव रंजन सिंह चम्मलिता सी अनंतरम सदन से अपरा द्विवादन यथगित सह पूर्व सदन से कार्याच द्विवार स्थगित संज्ञा आसी लोकसभा सुरक्षा भंगम सांसदा निलंबन प्रकरण च उद्देश्य सदने विपक्षी सांसद विरोध प्रदर्शन यहावत्श संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी विपक्षी सांसद प्ले कार्ड इत्यस्य मध्यम प्रधानमंत्री अनुचित छायाचित्रस्य प्रदर्शिन्याः निन्दा कृतास्ति तेन अस्मिन् प्रकरणे आरोपिणः विरुध्य कार्याचरणस्य याचना कृता संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जाल पटले डब्ल्यू 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 डॉट् न्यूज् ऑन् ए आई आर् जी ओ वी डॉट् इन् इत्यत्र अथ न्यूज् ऑन ए आई आर् इति चल दूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति चीने द्वे दशमलव षट् मितेन तीव्र भूकम्पेन न्यूनातिन्यूनम् अष्ट दशोत्तरैक शतम् जनाः मृत्युमुपगताः अनेन भूकम्पेन उत्तर पश्चिम क्षेत्रस्य गासु किन्घाई प्रान्तयोः प्रभावोत्पादितः शिन्हुआ समाचार अभिकरणेन प्रोक्तम् यत् यः सायम् प्रवर्तिते अस्मिन् भूकम्पे गासु केङ्घाई प्रान्तयोः निकटवर्तिक्षेत्रेषु षडशीति जनाः मृत्युमुपगताः सूचनाप्रपत्रे इदम् कथितम् अस्ति यत् अस्य तीव्र भूकम्पस्य अनन्तरम् अस्मिन् प्रान्ते द्विशततः अधिकः जनाः व्रणिताः अभवन् सिन्हुआ समाचार अभिकरणानुसारी किङ्घाई प्रान्तस्य सन्निकटे हाइडोङ्ग् नगरे नवजनाः मारिताः चतुर्विंशत्यधिकैकशतम् जनाः च व्रणिताः अभवन् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू अद्य गोवा मुक्ति दिवसस्य अवसरे हुतात्मभ्य वीरेभ्य श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवती सार्वजनिक संवाद पटल माध्यमेन एकस्मिन् एक सन्देशे राष्ट्रपतिवर्या प्रोक्तवती यत् औपनिवेशिक शासनात् गोवा राज्यम् स्वतन्त्रम् कारयितुम् निज बलिदानम् प्रदातृभ्यः हुतात्मभ्यः कृतज्ञ राष्ट्रं श्रद्धाञ्जलिं समर्पयति सा प्रोक्वती ये राष्ट्रम स्वाधीनता सेनानीनाम सशस्त्र बलाना अनुकरणीय साहसम बलिदान सह सा गोवा निवासीनाम उज्ज्वल भविष्या कामना केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रवर्तमना वर्त अ उद्देश्य केंद्र से जनेभ्य सूचना प्रदान अद्य उधमपुर सांबा राजौरी रियासी जनपद विभिन्न संभागेशु, यात्रा यात्रावाहन संत विभिन्न विभागा केन्द्रेश जो कल्याणकारी अवबोधिता अस्वसरे लाभा मेरी कहानी मेरी जुबानी मे इन कार्यक्रम स्वीयानुभवा प्रस्तुताे प्रोक्ट प्रसारण सेवा विम विधेयक विंशति त्रयोविंशति इति वर्तमानिकस्य टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम इति दूरदर्शन संजालस्य स्थानं भजिष्यति अस्मिन् विषये आवश्यक कार्याचरण विनिर्मित संजातमस्ति सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर लोकसभायां प्रोक्तवान् यत् प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक विंशति त्रयोविंशति इत्यनेन नियामक प्रक्रिया सुचारुतया प्रचलिष्यति पुरुषाणाम क्रिकेट स्पर्धाया अद्य द्वितीय एक दिवसात्मक गके वर्हा इत्यस्य सेंट जॉर्ज पार्क इत्यस्मिन् स्थले भारतीय पुरुष दलम दक्षिण अफ्रीका दलम सम्मुखी करोति अंतिम सूचनायां प्राप्तिम यावत् भारतम द्वाविंशति कंदुक क्षेपक चक्रे षण्णवति विजित्य क्षेत्र रक्षणं इति वर्ता